कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, सिर्फ इस बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ और सिर्फ तालीम की बुनियाद पर अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया। हमारे तालीमात का आगाज भी लफ्ज इकरा से हुआ, यानी पढ़ो। हमारे नबी सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इल्म सराही, यानी इल्म मेरा हथियार है। इल्म एक ऐसा हथियार है जिसकी बुनियाद पर दुनिया की तमाम ताकतों को, दुनिया की तमाम चीज़ों को शिकस्त देकर फतह हासिल कर सकते हैं। जमाने कदीम में तालीम को तीसरी आंख तसव्वुर किया जाता था। किसी भी मुल्क को, किसी भी कौम को अगर तबाह व बर्बाद करना चाहो तो उसके लिए आइटम बम और मिसाइल की जरूरत नहीं, बल्कि उसकी तालीम की मियाद को गिरा दो, वो कौम खुद ब खुद तबाह व बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि उस प्रकार निजाम तालीम से निकलने वाले डॉक्टरों के हाथे मरीज बढ़ते रहेंगे, इंजीनियर के हाथों इमारतें तबाह होती रहेंगी, और मजहबी रहनुमाओं के हाथे इंसान गुमराह होते रहेंगे, और जजेस के हाथों इंसाफ का कत्ल होता रहेगा। हिटलर ने कहा था कि तू मुझे पढ़ी लिखी भाव दो, मैं तुझे पढ़ा लिखा कौन दूंगा। और ये फादर ऑफ आइडियोलॉजी जिनका मानना है प्रोफेसर हेगल, ह्यूमन ब्रेन इज बिगर देन ग्लोब, यानी इंसान का दिमाग दुनिया से बड़ा है। किस बुनियाद पर? सिर्फ और सिर्फ तालीम के बुनियाद पर। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं, दुनिया का कोई ऐसा अमल नहीं जो बगैर तालीम, जिसमें तालीम की जरूरत न पड़ती हो। मईशत में तालीम की जरूरत, सकाफत में तालीम की जरूरत, तरबियत में तालीम की जरूरत, अदालत में तालीम की जरूरत, तरबियत में तालीम की जरूरत, रियासत में तालीम की जरूरत, हुकूमत में तालीम की जरूरत, यहाँ तक के कब्र में भी तालीम की जरूरत पड़ती है। यही वो तालीम है। जब मोहम्मद इकबाल के पास आई तो वो सर डॉक्टर अल्लामा इकबाल बन गए। यही वो तालीम है। जब सैयद अहमद खान के पास आए तो वो सर सैयद अहमद खान बन गए। यही वो तालीम है। जब APJ अब्दुल कलाम के पास आए तो वो हमारे मुल्क के मिसाइल मैन बन गए। यही वो तालीम है। जब मौलाना अबुल कलाम के पास आए तो वो हमारे मुल्क के पहले वजीर तालीम बन गए। यही वो तालीम है। जब मेरे पास आए तो मेरे जहन को झिझोर कर रख दिया और उससे तलब करने लगा कि तू मुझे हासिल कर, क्योंकि जब तू मुझे हासिल करेगा तो मैं तेरा हो जाऊंगा और तू कामयाब हो जाएगा, और जब तू कामयाब हो जाएगा तो तेरा मुल्क तरक्की कर जाएगा। क्योंकि एक फर्द की तरक्की, एक फर्द की तरक्की मुल्क की तरक्की का सबब बनता है। अकबर इलाहाबादी ने मगरबी तालीम को, मगरबी तालीम पर बहुत तनकीदें की, लेकिन उन्होंने तरक्की का दारोमदार तालीम को ठहराया और एक शेर कहा कि बस मैं अपने गुफ्तगु को इसी जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगु को पाए तकमील में पहुंचाने की हिम्मत गुजारा करता हूँ। शेर बोल देते शगुफ्ता अमरीन।